जय जोहार, मैं कुसुमलता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया जम्मो संगवारी मन के स्वागत हवे। गणतंत्र दिवस भारत के एक राष्ट्रीय परब हवे, जेला हर बछर 26 जनवरी के दिन मनाए जाते। स्वतंत्र गणराज्य बनाए बर संविधान ला 26 नवंबर 1949 मा संविधान सभा मा अपनाए गिस और 26 जनवरी 1950 मा लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के संग लागू करेगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास ले हमला हमर संविधान मिले हवय, जेकर आधार में हमला समता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार मिले हवय। संविधान के ए मूल्य ल याद करत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन मा देख बोल। स्वास्थ्य विभाग हा होम आइसोलेशन के मरीज मन ला दे जात हवय चिकित्सा। डॉक्टर के सलाह ले होम आइसोलेशन मा रहिया मरीज होत हवय स्वस्थ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना युवा मन बर बनी वरदान। दुर्ग के युवा ए योजना के लाभ लेके बनत हवय आत्मनिर्भर। प्रदेश के राजनांदगांव जिला के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ला मिलीस केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुरस्कार। ए विद्यालय मा पुलिस कर्मी मन ला दे जाते प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक उत्साह के संग मनाए गीत छेरछेरा के तिहार। घर मा धान आए के खुशी मा सबो आयु वर्ग के लोगन मन मनाइन खुशी। प्रदेश मा कोरोना के ज्यादातर मरीज मन हा होम आइसोलेशन मा रही के अपन इलाज करात हवय, जेकर बर स्वास्थ्य विभाग हा दिशा निर्देश जारी करे हवय। जे मरीज मन हा होम आइसोलेशन मा रही के इलाज करात हवय, ओमन ला सबले पहली अपन फोन मा आरोग्य सेतु ऐप ला डाउनलोड करना हवय और 24 घंटा नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग ला चालू रखना हवय। कोरोना के तीसरा लहर में घलो स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन के मरीज मन ला सबो जरूरी चिकित्सीय सुविधा दिलाए जात हवय। एकर बारे में होम आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर समीर तिवारी हा जानकारी दीन। घर में रहने के लिए हम ऐसे मरीजों को घर में रखते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनमें कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है। उनको हम घर में रख के और उनको अपनी मतलब यहाँ से जो कोविड प्रोटोकॉल की जो मेडिसिन होती है वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं और उनको घर में रख के ही ठीक करते हैं। अभी जो होम मॉनिटरिंग का जो टाइम पीरियड आ गया है कि वो 7 दिन का होता है, तो 7 दिन तक हमारी टीम यहाँ पे बैठ के उनको कॉल करती है डेली सुबह शाम। उनका टेम्परेचर है, उनका पल्स है, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन सब जो है नोट डाउन करते हैं रजिस्टर्स में। और इस बीच में अगर कुछ किसी पेशेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी बात होती है कि उनके ऑक्सीजन का कोई इशू बनता है, चाहे कोई टेम्परेचर का इशू बनता है, तो उसके लिए हमारी शिफ्टिंग टीम भी है जो 108 एम्बुलेंस को बुला के और उसको हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। होम आइसोलेशन में रह के ठीक हुए लोगन के कहना हवे कि ओमन शासन के जारी सबो दिशा निर्देश के पालन करे हवे। कुछ दिन पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरे को खराब लगा तो डॉक्टर जी ने कहा कि आप होम आइसोलेशन में रहिए कुछ दिन। तो मैंने 10-12 दिन रहा और डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरा लोगों से भी ये विनती है कि हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर करते रहें और मास्क लगा के रहें और जागरूक रहिए। पहले इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अब जो गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग से उसको अपनाना है, कुछ नहीं। और उसमें जो भी नंबर दिए गए हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग से, उससे जो भी गाइडलाइन रहेंगे उसको आप पालन करना है। होम आइसोलेशन में रह के मरीज मन कोरोना ला हरा के स्वस्थ होत हवे, जे हा हमर प्रदेश भर खुशी के बात हवे। कोरोना महामारी ले कई परिवार हा लड़ाई लड़ चुके हवे, डॉक्टर के सलाह के पालन करके कोरोना ला हराए जा सकत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देश ला पालन करत हुए कोरोना के मरीज मन हा स्वस्थ होत हवे। कोरोना महामारी ले कई परिवार हा लड़ाई लड़ चुके हवे। दुर्ग जिला के एक परिवार के सबो सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए रहिस, फिर बाद मा मजबूती के संग लड़ाई लड़ के सबो जन एमा जीत पाए हवे। दूरदर्शन हा पीड़ित परिवार के सदस्य मन ले गोट बात करके जाने हवे कि कैसे बीमारी ले बाहर निकले हवे। कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह बताइन कि ओमन खुद परिवार के सदस्य के साथ कोरोना ले प्रभावित रहिन,
फिर ओमन अपन पत्नी और दोनों लइका मन के साथ घर में आइसोलेशन में रह के कोरोना ल हराए हवे। शासन का जो गाइडलाइंस है उसका पालन, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लगातार फोन आता था ऑक्सीजन लेवल कितना आपका है, बुखार है या नहीं है, 10 मिनट वॉक करिए, वॉक करने के बाद ऑक्सीजन लेवल बताइए, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया और 1 हफ्ते क्या 3-4 दिन के अंदर ही हम लोग एकदम स्वस्थ हो गए। 1 हफ्ते का आइसोलेशन होने के बाद भी हम लोग बाहर नहीं निकले कम घर से, 10 दिन के बाद मैं बोलूँगा, 10 दिन के बाद ही आपके लिए, और मास्क हमेशा लगना चाहिए। उहे कोरोना ले जुझैया जगजीत कौर सलूजा हा बतैन की 6 जनवरी के संझा ले कोरोना के लक्षण दिखाई देत रहिस, जेकर बाद दूसर दिन कोरोना जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आए के बाद खुद ल घर में आइसोलेट करके चिकित्सीय परामर्श के पालन करके कोरोना ल हराए के बाद स्वस्थ हवे। और सरकार की तरफ से जो आइसोलेशन सेंटर बने हैं उनको जैसे ही पता चला कि हम पॉजिटिव आए हैं तो समय समय पर सुबह और दोपहर को उनका फ़ोन आता था, डॉक्टर्स का भी फ़ोन आता था और उन्होंने दवाइयों की किट भी हमें पहुँचाई और आइसोलेट रहने के लिए कहा और समय समय पर ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन चेक करने के लिए कहा और हमेशा हमें उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया कि आपको जरा सा भी कुछ भी यदि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तत्काल नंबर भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया कि हम उनसे संपर्क करें। कोरोना ले पीड़ित रहे इंजीनियर अनिमेश सिंह बतैन की बंगलोर में निजी कंपनी में काम करते, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए के बाद डॉक्टर के सलाह लीन और कोरोना नियम के पालन करत हुए बीमारी ले ठीक होए हवे। सुबह ब्रश करने के बाद गरारा नमक पानी से और स्टीम लेना शुरू किया, स्टीम में पानी में अजवाइन डाल ले ताकि और अच्छा रहे और मास्क हमेशा पहने रहे घर में भी। केंद्र और राज्य सरकार के बनाए गए कोरोना गाइडलाइन के पालन ले कोनो भी ए बीमारी ले बाहर आ सकत हवे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ले युवा मन ला रोजगार मिलत हवे, ये योजना के लाभ उठा के युवा मन के दशा और दिशा सुधरत हवे। दुर्ग जिला के एक परिवार हा ये योजना के लाभ उठा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारे हवे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ले बेरोजगार युवा मन ला रोजगार मिलत हवे, जेकर ले युवा मन के जिंदगी के दशा और दिशा दोनों बदलत हवे। दुर्ग जिला के जन बंधु परिवार हा घलो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ले अपन आर्थिक स्थिति ला बदले मा कामयाब होए हवे। जन बंधु परिवार खाद्य और औषधि तेल ला शुद्ध रूप मा जनमानस तक पहुंचात हवे। जगबंधु परिवार शुद्ध खाद्य तेल मा सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, नारियल तेल, तिल तेल, अलसी, नीम और बादाम के कोल्ड प्रेस विधि ले तेल निकाल के अपन व्यवसाय ला मजबूती देत हवे। संगे ही 5 आने लोगन ला रोजगार घलो देत हवे। इसका बेनिफिट ये हुआ कि हमारा रोजगार चल पड़ा है, वजह में कुछ पैसे आवक हो जाती है और हमारा रोजगार, और दूसरी बात हम सेहत, लोगों की सेहत तक अच्छी चीज पहुंचा रहे हैं। उहे दुर्ग जिला के उद्योग और व्यापार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक सिमोन एक्का दूरदर्शन समाचार ले गोट बात में बतैन की लोगन के काम करे के इच्छा के अनुसार सहयोग करे जात हवे। आवेदन उद्यमियों को उनके आवश्यकता अनुसार क्या करना चाह रहा है उसके आधार पे, उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको लोन दिया जाता है। उसमें योजना के तहत नियम ये है कि निर्माण कार्य के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कहते हैं उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक, और सेवा क्षेत्र में जिसमें जॉब वर्क आता है या कोई सेवाएं होती हैं उनके लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सेवाएं दी जाती हैं। इसमें ये सहायताएं बैंक के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है, क्योंकि आवेदन हमारे यहाँ भराया जाता है या ये जो स्कीम है 3 एजेंसियाँ चलाती हैं। पहला है जैसे खादी ग्राम उद्योग कमीशन, जैसे खादी ग्राम उद्योग आयोग बोलते हैं, और दूसरा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का है, और तीसरा हमारा जिला व्यापार उद्योग केंद्र। ओमन बतैन की बेरोजगार युवा मन ला प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ले अपन खुद के उद्योग या रोजगार शुरू करे बर केंद्र सरकार ह 10 लाख रुपया ले 25 लाख रुपया तक के लोन देत हवे। भारत सरकार ह राजनांदगांव जिला के पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय के चयन केंद्रीय गृह मंत्रालय पुरस्कार बर करेगी हवे।
ए प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस कर्मी मन प्रशिक्षण दे जाते। बछर 2014-15 और बछर 2018-19 में केंद्रीय गृह मंत्रालय डहर ले ए केंद्र ला पुरस्कार मिले हवे। भारत सरकार ह राजनांदगांव जिला के पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय के चयन केंद्रीय गृह मंत्रालय पुरस्कार बर करे हवे। ए पुरस्कार ला भारत सरकार ह संस्था के विकास बर 2,00,000 रुपया नगद पुरस्कार दे हवे। पुलिस अधीक्षक इरफान उल रहीम ह ए अवार्ड के श्रेय अपन वरिष्ठ अधिकारी और अपन सहयोगी अधिकारी मन ला देत हवे। ओमन बतैन कि राजनांदगांव जिला में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के स्थापना 61 बछर पहली करे गे हवे और अभी 70वे नवा आरक्षण मन ला बुनियादी प्रशिक्षण दे जात हवे। यहाँ नवा आरक्षक हा बतैन कि BPRND के 92 बिंदु ला पूरा करत हुए कमांडो के प्रशिक्षण दे जात हवे। खुशी की बात यह है कि कंटिन्यूएशन में वर्ष 2019 और 20 और 20 और 21 दोनों अवार्ड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का यह अवार्ड हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरह से वर्ष 1914-15 में यह अवार्ड हमें प्राप्त हुआ था। इस तरह से यह तीसरा वर्ष है और भरसक हमारा प्रयत्न होगा कि जिस ढंग से जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और टीम वर्क काम कर रही है, आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि आज हम पूरे इंडिया में एक बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की जगह अपना बनाए हुए हैं। इसमें हम अपना स्तर और ऊंचा करना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव ला एकर ले पहली 2014-15 और 2018-19 में घलो केंद्रीय गृह मंत्रालय डहर ले पुरस्कार मिले हवे। उस महीना के पुन्नी के दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा तिहार मनाए जाते। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा प्रदेश के लोगन ला छेरछेरा के बधाई और शुभकामना दिन। छेरछेरा तिहार हमर प्रदेश के एकता और समृद्ध दानशीलता ला दर्शाते। पूस महीना के पुन्नी के दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा तिहार मनाए जाते। पूरा प्रदेश में लइका उ सब्बो उम्र के लोगन हा छेरछेरा मांगे बर निकलते। कोरोना के सेती गांव में मेला मड़ई नहीं लगे हवे। महासमुंद जिला में घलो छेरछेरा तिहार धूमधाम ले मनाई गिस। बांजा गुंजी संग घर घर में जाके लोगन हा छेरछेरा मांगिन। राज्यपाल अनुसुईया उइके हा प्रदेश के लोगन ला छेरछेरा तिहार के बधाई और शुभकामना दिन। राज्यपाल हा कहिन कि छत्तीसगढ़ के गांव हा कृषि संस्कृति परंपरा ला प्रदर्शित करते। अब ए तिहार हा जब धान के फसल हो जाते और धान हा खेत ले घर में आ जाते तब ए तिहार ला मनाए जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा घलो प्रदेश के लोगन ला लोक तिहार छेरछेरा के बधाई और शुभकामना दिन। ए तिहार मा गांव मा सांस्कृतिक कार्यक्रम होए हवे। जांजगीर चांपा जिला के ग्रामीण इलाका मा डंडा नाच शुरू हो गए हवे। गांव गांव मा जाके लोगन हा डंडा नाच करत हवे। छेरछेरा किसान मन ले जुड़े तिहार हवे। फसल के कटाई मिंजाई के बाद छेरछेरा तिहार मनाए के परंपरा हवे। लोगन हा घर घर में जाके ए दिन धान मांगते। आज के अंकला इही मेर देथन विराम, फेर मिलबोन अवैया हफ्ता इही दिन इही बेरा। तब तक हमला दाव विदा, जय जोहार।